और ये ट्रेन आपको बिल्कुल भी खाली नहीं मिलेगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। यही चीज पता नहीं क्यों ट्रेन में नहीं बेच पाते हैं। सर वाले इसी से चार कप बना देगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सभी लोग का मेरे रिकॉर्ड नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग का शुरुआत हो रहा है बैंगलोर से। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो हम लोग आ गए थे बैंगलोर, और बैंगलोर हम लोग किस लिए आए वो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो मैं बता दूं, हमारा स्टार्ट होने वाला इंटरनेशनल ट्रिप, हमारा कहने से मेरा मतलब है मैं, लवली तो है ही, और भी कुछ लोग ज्वाइन करने वाले हैं हम लोगों को। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, आज हमारा ट्रेन है चेन्नई के लिए। कौन सा ट्रेन है कौन सा नहीं स्टेशन में पहुंच के सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि 9:15 का ट्रेन है ऑलरेडी, देख लो 8:30 बजने को आया। ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं हुआ है हमारा, अभी देख लो नहाकर रेडी हुए हैं, भागना पड़ रहा है स्टेशन के लिए। देखते हैं स्टेशन में या फिर ट्रेन में कुछ ऑर्डर करके खा लेंगे। फिलहाल एक काम करते हैं, एक ही बार ये वीडियो को ना कैब में बैठकर कंटिन्यू करते हैं। स्टेशन ज्यादा नहीं, 2-2.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, इसलिए काम करते हैं जल्दी से निकलते हैं अभी। अभी हम लोगों ने होटल से चेकआउट कर लिया है और ये अपना कैब अराउंड 300 मीटर दूर है। आ जाओ भैया जल्दी, 9:15 का हमारा ट्रेन है। एक बात अच्छा है कि जो हमारी ट्रेन है ना वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही रहती है, तो ज्यादा इधर उधर भागना तो नहीं पड़ेगा। देखो सत्या भाई का मैसेज भी आ गया, भाई मैं निकल गया, मैं भी निकल रहा हूँ सत्या भाई। चलो जी अभी हम लोग स्टेशन के लिए निकल गए हैं, और यहाँ से स्टेशन देख लो हमें जो ड्रॉप टाइम दिखा रहा है ना वो लगभग 8:46 में। चलो जी फाइनली अपने स्टेशन पहुंच चुके हैं हम लोग। देख लो भाई साहब एंट्रेंस एकदम एयरपोर्ट वाला बनाया है। इस वाले साइड आपको पूरा पार्किंग दिख रहा होगा, ये सामने की तरफ रहा रेलवे स्टेशन। चलो भैया अभी उतरते हैं फटाफट, देखते हैं सत्या भाई कहाँ वेट कर रहे हैं। फाइनली अभी हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं, और आज देख लो बहुत सारे ना वंदे भारत का आज इनॉग्रल है। वैसे आपने सुना होगा ये जो बैंगलोर का स्टेशन है ना SMBT रेलवे स्टेशन, ये फुली AC रेलवे स्टेशन है, लेकिन अभी तो AC ऑन नहीं है। वैसे यहाँ पे जरूरत भी नहीं है, लेकिन अभी तो थोड़ा गर्मी लग रहा है। हमारी वो ट्रेन है लेकिन आज फंक्शन है ना यहाँ पे, इसलिए हमें वहाँ जाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं भाई साहब, देख लो वाकई में काफी एडवांस रेलवे स्टेशन है ये। लोग सीढ़ी से भी आ सकते हैं, एस्केलेटर से भी आ सकते हैं, लिफ्ट भी लगी हुई है, हम लोग वहाँ लिफ्ट से आए, सारा ऑप्शन है यहाँ पे। अब वो लोगों के ऊपर है, लोग इसको कितने अच्छे तरीके से मेंटेन रखते हैं। ऊपर में देख लो फूड कोर्ट भी बना हुआ है, लिटरली ऐसा लग रहा है ना मैं किसी एयरपोर्ट में हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 2 हमें यहाँ जाना है, और यहाँ पे मैंने बताया ना वो वंदे भारत का इनॉग्रल के लिए सारा फंक्शन वगैरह हो रहा है। अभी टाइम देख लो 8:54 हो रहा है, और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म में। ये रही हमारी ट्रेन, ट्रेन का इन्फॉर्मेशन तो बाद में देंगे, हम क्यों ही दें जब हमारे साथ सत्या भाई ट्रैवल कर रहे थे। और सत्या भाई क्या हाल चाल? अरे भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, पहली ट्रिप ही इतनी बड़ी जगह मिल रही है, और साथ में मैं चाहता हूँ कि हमारे जो प्यारे प्यारे नेबरिंग कंट्रीज है ना उन्हें बैक टू बैक कवर भी किया जाए। सत्या भाई आपको मेरे चैलेंज के बारे में पता है कि नहीं, 12 महीने में 12 कंट्री। तो 2 कंट्री तो अपने इंडिया के आसपास वाला ही था, ये जो कंट्री है वन ऑफ द एक्सपेंसिव कंट्री आप बोल सकते हो। और हम लोग भाई देखे फर्स्ट एसी से जर्नी करने वाले हैं, ज्यादा नहीं कितने घंटे का जर्नी है भाई अपना? 6 घंटे का। तो ट्रेन का इन्फॉर्मेशन देंगे, पहले अपने सीट पे जाते हैं, सामान फेंकते हैं अपना। और स्टेशन देख लो भाई क्या खूबसूरत स्टेशन है, साफ सफाई एकदम टॉप नॉच। तो देख लो जी ये हमारी कोच है HA1, इसमें फर्स्ट AC एंड सेकंड AC दोनों ही मिक्स रहता है, इसीलिए ये HA1 है। भाई ये जो हमारी ट्रेन है ना संघमित्रा एक्सप्रेस, ये दानापुर तक जाती है, मेनली चेन्नई के बाद ही पैर रखने का आपको जगह नहीं मिलेगा इस ट्रेन में। वैसे तो हम लोग चेन्नई तक ट्रेवल करने वाले हैं, पेरम्बूर तक जाती है ये ट्रेन, मतलब चेन्नई के लिए हम लोग वहीं उतर जाएंगे। हमारे ट्रेन का 9:15 का डिपार्चर टाइम है, लगभग 2:30 बजे के आसपास हम लोग पहुंच जाएंगे चेन्नई। और यहाँ पे देख लो इसको क्या क्या लेकर आ गई है, बिस्किट है ना, अमूल का ये मिल्क शेक बहुत अच्छा होता है। SMBT रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन निकल चुकी है ऑन टाइम। चलो जी ट्रेन तो अपने निकल चुकी है, अब थोड़ा सा अपने इस केबिन का टूर दे देते हैं। आज कोप का जरूरत भी नहीं है क्योंकि हम लोग 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो देख लो कुछ ऐसा है अपना केबिन जिसमें हम 3 लोग ही हैं। अब एक पैसेंजर कहीं से आएगा तो बता देंगे आपको, और इसमें भी आपको यही ब्लैंकेट बेडशीट वगैरह तो मिलता ही है, इसका जरूरत पड़ेगा भी नहीं हमें क्योंकि लगभग 2:30 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे पेरम्बूर। बाकी साफ सफाई तो बहुत बढ़िया है। तो अपने 3rd इंटरनेशनल ट्रिप की तरफ हम लोग निकल रहे हैं, कैसा लग रहा है, एक्साइटमेंट हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड भी है क्योंकि नया कंट्री है, सबके लिए नया कंट्री है। वैसे एक्चुअली हमारे इस चैलेंज का 3rd कंट्री है, वैसे देखा जाए तो हम दोनों का ही फर्स्ट टाइम है उस कंट्री में। और इस बार सबसे मेन बात है ना कोई ट्रैवल एजेंट हम लोगों ने नहीं लिया है, सारा टिकट होटल्स वगैरह सब कुछ हम लोगों ने खुद से ही बुक किया है। हाँ वीजा प्रोसेस के लिए मैंने हेल्प लिया था, वो मैं आपको बता दूंगा कल वाले वीडियो में, क्योंकि वहां जाना बहुत लोगों का ड्रीम होता है जहां हम लोग अभी जा रहे हैं, तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन कल वाले ब्लॉग में मिलेगा। फिलहाल ये ट्रेन ब्लॉग है तो ये ट्रेन ब्लॉग एंजॉय करो आप लोग। तो ये आ चुका है देख लो हमारा सबसे पहला स्टेशन, ये मतलब ट्रेन निकलते ही आ गया यार, कृष्णराजपुरम। और यहाँ पे बस
एक मिनट का हॉल्ट है अपने ट्रेन का। अगर मैं अपने ट्रेन के रूट की बात करूँ ना, तो जैसे हमारी ट्रेन अभी बेंगलुरु से निकली, सबसे पहले आया कृष्णा राजपुरम होते हुए ये ट्रेन जाएगी बंगारपेट जंक्शन, फिर कुप्पम, फिर हम लोग पहुंचेंगे जुलारपेटाई जंक्शन, उसके बाद काटपाटी जंक्शन, फिर अराक्कोनम, और उसके बाद आ जाएगा अपना फाइनल डेस्टिनेशन जो कि है पेरम्बलूर। आई एम रियली सॉरी अगर मैंने किसी भी स्टेशन का नाम गलत प्रोनाउंस किया हूं तो। अभी आने वाली है थोड़ी देर में वंदे भारत एक्सप्रेस, वो दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एक चीज सत्या भाई ने काफी बढ़िया किया, घर से बना हुआ नूडल्स लेकर आए हैं। ये सत्या भाई के मम्मी ने बनाया है। तो आंटी जी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया बना है। मैंने एक चम्मच अभी ट्राई किया, एक्चुअली हम लोग ब्रेकफास्ट करके भी नहीं आया था ना, लेकिन बहुत अच्छा लग ही नहीं रहा घर का। घर का है, थैंक यू सत्या भाई, आपको ही बोल देते हैं मम्मी की जगह। वैसे एक दो जगह मैं दिखाऊंगा आपको ट्रेन में जहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है। अगर आप भी इस रूट में कभी ट्रैवल करोगे ना, उस जगह का वो चीज ट्राई करना जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो देख लो भाई, ये है खूबसूरती साउथ में ट्रैवल करने का। और अभी ये जो देख रहे हो ना, ईंट से भरा हुआ पहाड़, के बगल से हम लोग जाने वाले हैं। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बंगारपेट जंक्शन। वैसे ट्रेन हमारी डिले है, लेकिन चलो ठीक है, दो मिनट का हॉल्ट है हमारे ट्रेन का यहाँ पे। वैसे मैं बता दूं, बंगारपेट से ना आपको कोलार के लिए भी अलग लाइन मिल जाएगा। कोलार वही जो आपने देखा होगा ना मूवी KGF, उसमें दिखाता है ना कोलार गोल्ड फील्ड, उसी कोलार की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से अगर आपको वहाँ जाना है, मेरे को तो लगता है साइड सीन के लोग अब जाते भी होंगे घूमने के लिए KGF मूवी के बाद। पहले से ही चलो भाई, ट्रेन अपनी निकल गई है, काफी खूबसूरत सा लग रहा है। देख लो यहाँ पे सारा फूड स्टॉल है, स्टेशन भी एकदम मस्त साफ सुथरा। वैसे देख लो जी, ये हम लोगों ने चाय ले लिया, ये चाय बहुत बढ़िया लग रहा था। सत्या भाई बता रहे थे बंगारपेट में बढ़िया चाय मिलता है एक जगह, एक स्टॉल में ना, नंदिनी का पार्लर है। हाँ नंदिनी वही ना, जो वहाँ पे हम लोगों ने कॉफी भी पिया था। इतना अच्छा मिलेगा 10 रुपए में ना। अच्छा, हर जैसा आपको चाय मिलेगा। ट्रेन में अगर आपको इस कैटेगरी का चाय मिल रहा था, और क्या ही चाहिए। चलो भाई चाय पीते हैं। एक्चुअली नंदिनी का स्टॉल आपको दिखेगा साउथ के मैक्सिमम स्टेशन में, चाय कॉफी मिलेगा पी लेना भाई, बहुत बढ़िया होता है। ट्रेन में इस कैटेगरी का चाय मिलना मुश्किल है, 10 रुपए का भाई। तुम्हें यही चीज पता नहीं क्यों ट्रेन में नहीं बेच पाते हैं। लो जी, ये देखते ही देखते अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कुप्पम। ट्रेन तो मैं बोल सकता हूँ टाइम पे ही चल रही है, हाँ कुछ मिनट का डिले चल रहा है। और ये देखते ही देखते कुप्पम से हमारी ट्रेन निकल चुकी है, और अपने ट्रेन का ना यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट था। चलो बाय बाय कुप्पम, अगर कोई यहाँ से मेरा वीडियो देखता है तो हाय हेलो ढेर सारा प्यार। अब कुप्पम के बाद ना भाई फोन का नेटवर्क हो जाएगा गायब। अब एक ही बार ये जो ट्रेन रुकेगी जोलारपेटाई में, अभी मैं आ गया हूँ अपने ट्रेन के वॉशरूम में। जैसा कि मैंने अपने लास्ट ट्रेन वीडियो में बताया था ना कि वॉशरूम में तभी दिखाऊंगा जब थोड़ा सा कुछ यूनिक रहेगा उसमें, तो काफी लोग बोल रहे थे कि नहीं मोहित भाई ऐसा नहीं है, आप सभी ट्रेन का दिखाया करो ताकि हमें भी आइडिया लगे कि कौन सा ट्रेन का वॉशरूम का हालत थोड़ा खस्ता है, आप दिखाते हो तो हमें आइडिया मिलता है इससे। तो देख लो ये कुछ वॉशरूम है, इसमें सीट कवर रहता है जो कि अभी है नहीं, बाकी ये सामने की तरफ मिरर, सॉफ्ट डिस्पेंसर, पानी वगैरह तो आ रहा है अभी। तो अपने इस ट्रेन का फर्स्ट एसी का वॉशरूम कुछ ऐसा है, देख लो। अभी हम लोग जोलारपेटाई पहुंच चुके हैं, और ये जो सामने आपको हिल्स दिख रहा है ना, इसको येल्लागिरी हिल्स बोलते हैं। येल्ला मतलब 7 होता है यहाँ के लोकल लैंग्वेज में, तो टोटल यहाँ पे आप बोल सकते हो 7 हिल्स है। बहुत खूबसूरत व्यू मिलता है यहाँ का। ये अपनी ट्रेन एंटर कर रही है, देख लो। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जोलारपेटाई जंक्शन, और मैं बता दूं हमारे ट्रेन का ना यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है, और यहाँ पे ना वड़ा सांबर बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन आज शायद वंदे भारत का इनॉग्रल है ना, पीछे देख लो फंक्शन हो रहा है छोटा सा, उसके वजह से आज कुछ भी नहीं दिख रहा है स्टेशन पे। तो कुछ ऐसा स्टेशन है देख लो, और ये ट्रेन आपको बिल्कुल भी खाली नहीं मिलेगी। पेरम्बलूर के बाद तो मेरे को नहीं लगता पैर रखने का जगह मिलेगा इस ट्रेन में। चलो जी, फाइनली हमारी ट्रेन निकल चुकी है जोलारपेटाई जंक्शन से। अब जो अगली स्टॉप है ना हमारी, वो है काटपाटी जंक्शन।
अभी अपने ट्रेन का स्पीड यहाँ पे देख लो भाई 127 मैक्स, यहाँ पे ना 130 तो टच करेगी अपनी ट्रेन। लेकिन सत्य भाई जोलार पिटाई में तो नहीं मिला कुछ खाने को, अब फिर नेक्स्ट कहाँ मिलेगा? काठपाड़ी में क्या पुलाव राइस। अभी हम लोग मस्त लेट के टाइम पास ही कर रहे थे, सत्य भाई ने देखा कितना बड़ा चूहा सत्य भाई, फिर लवली ने देखा उस चूहे का बच्चे को पूरा खानदान है भाई भाई फर्स्ट एसी में। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं काठपाड़ी जंक्शन। आपके घर के भी आसपास में बहुत ऐसे लोग होंगे जो बोलते होंगे इलाज के लिए वो वेल्लोर जा रहे हैं। हमारे कोलकाता से तो बहुत लोग जाते हैं वेल्लोर, यही रीजन है ना कोरोमंडल का टिकट मिलता भी नहीं है, लोग यहीं पे आते हैं अपना इलाज कराने के लिए वेल्लोर। यही है काठपाड़ी जंक्शन, कुछ ऐसा रेलवे स्टेशन देख लो। हम लोगों ने यहाँ पे पुलाव ले लिया है, देख लो अंदर जाके ना बढ़िया से रिव्यू करते हैं। अभी अपनी ट्रेन वैसे काठपाड़ी जंक्शन में ही रुकी हुई है, लगभग देख लो यहाँ पे 12:50 होने को आया और 2:30 बजे के आसपास हम लोग पहुंच जाएंगे चेन्नई। तो यहाँ पे देख लो ये हम लोगों ने ले लिया था बिरयानी इसको पुलाव भी बोल सकते हो आप। तो ये वेज है और एक ये अंडा वाला है, बहुत तारीफ सुना है मैंने, स्पेशली सत्य भाई के मुंह से बहुत तारीफ सुना है मैंने। 80 रुपए का वेज, 80 रुपए का नॉन वेज, ऐसे ही मिलता है ये। तो वैसे यहाँ पे आप अगर आओगे ना काठपाड़ी में बहुत बढ़िया एक प्याज वाला समोसा मिलता है, तो उसको कुछ बोलते हैं कि प्याज वाला समोसा ही बोलते हैं, पत्ती समोसा, वो समोसा मिलता है। अभी बहुत जगह मिल भी रहा था बट किसी रीजन की वजह से हम लोगों ने नहीं लिया, चलो खैर वो रहने दो। ये खाने के लिए इसके साथ किसी भी ग्रेवी का जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही आराम से खा सकते हो, इतना बढ़िया लग रहा है ये। तो आपको अगर ऐसे लंच करने का कुछ मन करे ना तो 80 रुपए 100 रुपए में आपको ये मिल जाएगा, तो आप इसको जरूर ट्राई करना, चाहे वेज लो या नॉन वेज लो वो आपके ऊपर है। काठपाड़ी से अपनी ट्रेन निकल चुकी है और ये कितने का है? तो ये ट्रेन से हम लोगों ने अभी बिरयानी लिया है, देखते हैं ये वाला बिरयानी कैसा है। सबसे पहला चीज तो देख लो यहाँ पे ना इन्होंने कुछ ग्रेवी डाल रखा है, ये सांभर है या क्या है पता नहीं मेरे को। और ये देख लो ये चावल में ना साफ आपको फर्क दिख जाएगा, ये देखो एक दूसरे में चिपका हुआ है ना चावल। और ये देखते ही देखते अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अराकोम जंक्शन, लगभग 2 बजे आप बोल सकते हो 156 में। हमारे इस ट्रेन का ना यहाँ पे बस 1 मिनट का ही हॉल्ट था, आई बस निकल गई समझो, बहुत जल्दी है भाई ट्रेन को पेरम्बूर पहुंचने के लिए। चलो जी बाय बाय अराकोम जंक्शन। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पेरम्बूर, लगभग 250 में। भीड़ देख लो भाई साहब पेरम्बूर में, पूरा पैक होने वाला है, पूरा पैक देख लो। फर्स्ट एसी में भी काफी लोग जा रहे हैं, इसका मतलब हमारा फर्स्ट एसी भी यहाँ से फुल है। अभी सीन क्या है ना, हमारा रात का फ्लाइट है लगभग 11 बजे का, वही सोच रहे हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। अभी पहले तो जाते हैं कुछ पेट पूजा करते हैं, पेट तो भरा हुआ है लेकिन यहाँ पे आए इडली डोसा ना ऐसा कैसे चलेगा। चलो जी अभी हम लोग पेरम्बूर रेलवे स्टेशन के बाहर आ चुके हैं, अभी देख लो निकलते ही हमें मुर्गन इडली शॉप दिख गया है। अभी हम लोग अपने होटल पहुंच गए और यही रूम लिया है हम लोगों ने, एकदम एयरपोर्ट के पास में ही है। और आते ही देख लो यहाँ पे मिक्स फ्रूट जूस, इसका बहुत ज्यादा जरूरत था हमें। सत्य भाई चेन्नई में गर्मी कैसे है? बाकी जहाँ हम लोग जा रहे हैं यहाँ तो उससे भी ज्यादा गर्मी है। एक बात मैं आप लोग को बताने ही भूल गया, टिकट फेयर का लेकर कितना लगा था सत्य भाई? 16,000 अरे टिकट मतलब ट्रेन का टिकट भाई, आप कौन सा 16,000 बता दे। अच्छा अच्छा नहीं नहीं वो रहने तो, अभी वो नेक्स्ट वाले ब्लॉग में बताना। ट्रेन का कितना लगा था बेंगलुरु से चेन्नई तक का? 1500 पर पर्सन। तो हाँ उसमें कोई भी फूड कैटरिंग वगैरह इंक्लूड नहीं था आपने देखा। तो देख लो जी यहाँ पे अभी जूस अपना पीते हैं और ये वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। थोड़ी देर बाद हमारा वापस से स्टार्ट हो जाएगा इंटरनेशनल जर्नी, वो वाला सारा इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिल जाएगा। तो फिलहाल अगर यहाँ तक ये वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। मिलता है अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। Suspira, no tiene alguien que me amarra, farra, farra, farra.